नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आप डेली निफ्टी एनालिसिस की वीडियो भी आप लोग को शाम को 6 बजे तक मिल जाया करेगी हमारे चैनल पे। जो पहले बैंक निफ्टी की मिलती थी, अब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों की वीडियो आप लोग को कंटिन्यू मिलेगी। और कुछ दिन बाद से ही मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक से जो आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाला हमारा चैनल है उस पर आपको लर्निंग वीडियो भी कंटिन्यू, वीक में 1 से 2 लर्निंग वीडियो मैं वहाँ पर भी पोस्ट करता रहूँगा। तो अगर अभी तक आपने हमारा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर मैं बैंक निफ्टी एनालिसिस की कुछ वीडियो ते रहता हूं, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। दोस्तों निफ्टी ने क्लोजिंग की है 16,624 के आसपास में। यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखेंगे निफ्टी में, तो निफ्टी ने जैसे हमने ये ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद जो हमारा टारगेट था ये 400 से 450 पॉइंट का, वो टारगेट यहाँ पे अचीव करने के बाद में निफ्टी ने थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन दिया। और यहाँ पे देखिए 700 से हम यहाँ पे आ गए 300-350 के आसपास आए, वापस हम यहाँ से फिर से 624 के आसपास हम पहुँच चुके हैं। तो अब जो निफ्टी में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है हमारे पास में, वो रेजिस्टेंस हमारे पास में 16,700 का एक रेजिस्टेंस मिलेगा। वहीं पर थोड़ा सा मार्केट को रुकना चाहिए, निफ्टी को वहाँ पे रुकना चाहिए। आज की क्लोजिंग हमारी 16,624 के आसपास में है, तो निफ्टी के पास एक चांसेस है कि निफ्टी 700 के आसपास तक कल यहाँ तक पहुँच सकता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी हमारी है गुरुवार को, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शायद इस जोन के पास तक यहाँ पर निफ्टी पहुँच सकता है कल के सेशन में। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि हम निफ्टी को कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा निफ्टी का ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा ट्रेड करने के लिए, और निफ्टी को आपको कहाँ पे बाइंग करना चाहिए या कहाँ पे सेल करना चाहिए। जैसे आज दिन के दौरान में मैंने निफ्टी को आप लोग को बाइंग करने के लिए दिया था 15,680 के आसपास, मैंने निफ्टी को बाइंग करने के लिए दिया था, अपने दोनों ही चैनल पर दिया था, प्रीमियम ग्रुप में भी दिया था और जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का ग्रुप है हमने उसमें भी दिया था। तो दोनों में ही देखिए जैसे ही 580 के ऊपर निकला, एक निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली। अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं, और डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद में उसमें आप फंड ट्रांसफर कर लीजिए। उसका स्क्रीनशॉट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ पर सेंड कर देंगे तो हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिसमें मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन के कुछ पोस्ट डालते रहता हूँ, निफ्टी ऑप्शन के पोस्ट डालते रहता हूँ, बैंक निफ्टी के चार्ट, बैंक निफ्टी ऑप्शन के चार्ट, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए और सीखते रहिए। अब मैंने जो बाइंग करने के लिए निफ्टी दिया था, निफ्टी बाइंग करने के लिए दिया था मैंने इंट्राडे में 16,580 के ऊपर मैंने बाइंग के लिए दिया था। तो देखिए 16,080 मैंने क्यों दिया था, 16,580 यहाँ पे देखिए कंटिन्यू यहाँ पे देखिए, तो 16 तारीख को हम यहाँ पे 3 से 4 बार गए, वापस हमने 17 को क्रॉस किया तो हमें एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिली। वापस जैसे ही हम इसके नीचे की तरफ आए, जो हमारे पास पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पे सपोर्ट हमने ब्रेक किया तो हमें नीचे की साइड में एक अच्छी मूवमेंट मिली। यहाँ पे हमने कोशिश की जाने की लेकिन हम नहीं जा पाए, वापस हम नीचे की साइड में आ गए, वापस हम ऊपर गैप अप ओपन हुए लेकिन इसी लेवल के आसपास हम कल गैप अप ओपन हुए थे, हम वापस नीचे की साइड में आ गए। आज भी हम गैप अप थोड़ा सा ओपन हुए, ऊपर की तरफ गए, नीचे की साइड में हम आ गए और वापस जाके हम यहाँ पर जब कंसॉलिडेट करने लगे तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही हम 80 को क्रॉस करेंगे यहाँ पर हमें 40 से 50 पॉइंट की एक अच्छी मूवमेंट यहां पे देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस एरिया है। जैसे हम रेजिस्टेंस को क्रॉस करें, रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है ना कि बहुत सारे लोगों ने अगर शॉर्ट किया होगा तो उन्होंने एसएल यहां पे लगा के रखा। देखिए सिंपल लॉजिक है, आपको सिर्फ अपने नजरिए से नहीं सोचना है, अगर आप स्टॉक्स मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको दूसरे के नजरिए को भी सोचना पड़ेगा, तभी आप एक बेस्ट मूवमेंट पकड़ सकते हो। तो मेरा व्यू यहाँ पे ये था कि यहाँ पे बहुत देर तक ये होल्ड कर रहा था, होल्ड करने के बाद जैसे इसको क्रॉस करेगा, आज सुबह जिन लोगों ने शॉर्ट किया होगा उनका भी एसएल करेगा, कल वालों का भी एसएल होगा, परसों जिन्होंने शॉर्ट किया होगा सबका एसएल यहाँ पे लेके जाएगा, या सब लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, तो उनका प्रॉफिट बुक होने के साथ में ही मार्केट क्या करेगा, अपसाइड में मूव करेगा। तो जैसे ही यहाँ से क्रॉस किया, यहाँ पर हमने हाई लगाया 16,646 का, हमने यहाँ पे हाई लगाया और मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में एक कॉल दी थी 16,600 की, शायद कॉल दी थी, वो कॉल मैंने 42 पे दी थी और उस कॉल ने हाई मारा यहाँ पे 79 का, हाई मार के वो कॉल आई। तो आप भी एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस पे बिलीव कीजिए, और यहाँ पे देखिए पिछले लो से ऊपर लो बन रहा है, हर बार ये पिछले लो से ऊपर लो बन रहा है, इससे मार्केट का मूड क्या लग रहा है कि मार्केट अपसाइड में जाने की धीरे धीरे करके यहाँ पे क्रोसिस कर रहा है, और जैसे निकला एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को यहाँ पे मिली। अब देखिए कल के सेशन में हमें किस तरह से निफ्टी को ट्रेड करना है, इंपॉर्टेंट लेवल यही है कि निफ्टी देखिए ये अब सपोर्ट का काम करेगा। सपोर्ट का काम क्या करेगा, पहला सपोर्ट हमारा जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 16,610 का, और दूसरा सपोर्ट हमारे पास है 16,000
580 जिसको हमने आज ब्रेक किया था। अगर हम गैप डाउन इसके नीचे ओपन हो गए, दिक्कत तब होगी जब हम इसके नीचे गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन कर लेंगे और उसके बाद लो को ब्रेक करेंगे तो शायद निफ्टी वापस आपको यहाँ पे 16,540-520 के लेवल दिखा सकता है। कब? जब हम गैप डाउन ओपन हो 16,580 के नीचे तब। अब जब तक हम यहाँ पे 16,610 से लेकर के 16,650 के बीच में अगर ओपन होते हैं और यहाँ पे 16,650 के लेवल को क्रॉस करते हैं तो मेरा पहला टारगेट जो होगा वो ये हाई होगा जो इसने पहला हाई लगाया था, इसी के आसपास हमारा यहाँ पे पहला टारगेट होगा जो होगा 16,700 के आसपास का हमारा पहला टारगेट होगा। अगर इस लेवल को निकालता है तो 16,750 का ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो कल का सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कल निफ्टी में फ्लैट ओपनिंग या 15-20 पॉइंट ऊपर हम यहाँ पे ओपन हो, ऊपर या नीचे ओपन हो और उसके बाद इस लेवल को क्रॉस करेंगे तो एक जबरदस्त मूवमेंट मिल सकती है। नीचे की साइड की मूवमेंट हमें तब मिलेगी जब हम इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो और यहाँ पे सस्टेन करें, थोड़ी देर यहाँ पे रुकने के बाद लेवल को ब्रेक करेंगे तब एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिलेगी जो कि इसको 60-70 पॉइंट निफ्टी को नीचे की तरफ लेके आएगी। मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि शायद हम फ्लैट ओपन हो या 16,600 के आसपास ओपन होंगे और वापस शायद ऊपर की साइड में हम मूव यहाँ पे कर सकते हैं निफ्टी के तत्व में। तो कल अगर आपको कॉल लेनी है तो 16,650 की कॉल लेना या 16,600 की कॉल लेना, लेकिन कॉल तब लेना जब हम 16,650 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखेंगे, ठीक है। 16,650 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखेंगे तभी हमें यहाँ पे कॉल लेना है। 16,650 के ऊपर अगर ट्रेड करता है निफ्टी तब आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं 16,600 की या 16,650 की कॉल को आप लेंगे। टारगेट हमारा जो रहेगा 16,700 के आसपास का रहेगा, उसके बाद 16,750 के आसपास का यहाँ पे रहेगा। 650 के ऊपर जब हम क्रॉस करेंगे तो हमारा एस एल यहाँ पे 16,620 का आप यहाँ पे एस एल लगा के जरूर रख लीजिएगा निफ्टी में। निफ्टी को शॉर्ट तभी करेंगे जब 16,580 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग करेगा और ओपनिंग के बाद यहाँ पे सस्टेन करेगा, उसके बाद लो को ब्रेक करेगा तब हम यहाँ पे निफ्टी को शॉर्ट करेंगे। ऐसा कुछ रहेगा तो मैं टेलीग्राम में आप लोग को अपडेट करके जरूर बता दूंगा। दोस्तों निफ्टी की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।